कैलोरी बढ़ती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर इज देयर एनी डेरिवेशन बिटवीन दीज टू बाय विच वी कैन प्रूव दैट द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द लॉस बॉडी, और इट इज सर ना 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 ना, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है कि हीट जितनी निकल रही है उसका डेरिवेशन प्रूव करे। ऐसा क्या डेरिवेशन है? वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से पता चल सकता है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, बस हम केवल इसकी हीट की जगह स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट के टर्म में जैसे लिख सकते हैं। क्या होता था कल मैंने बताया था सी एम डेल्टा टी, तो मान ले कि पहली बॉडी में जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है सी वन है, मास एम वन है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो दूसरी बॉडी जिसमें हीट लॉस रही है उसको लिख सकते हैं सी एम टू डेल्टा टी। बराबर होने का मतलब यही है कि जो हीट एक बॉडी से निकल रही होगी वही उसी को स्टर्म लिख सकते हैं। यस बेटा, तो यहाँ से अंश माइक म्यूट रखो। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लिख लिया बेटा, लेटेंट हीट। इसमें लिखो लेटेंट हीट में द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट में लिख लेना द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज, ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज without any change in temperature, without any change in temperature is called latent heat, is called latent heat. फिर से बोले दे रहा हूं बेटा मैं, क्या लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, सब ने लिख लिया बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांस पर यूनिट मास ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है,
अब बेटा फेज की बात करता हूँ, यदि तो फेज आप लोग जानते हो, जैसे किसी भी मटेरियल का एक सॉलिड फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, जानते हो ना ये बातें, गैसियस फेज होता है, वेपर फेज जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा ये सब चीजें। फेज से जानते हो ना बेटा, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज चेंज। तो कह रहा है कि जो लेटेंट हीट क्या है, कि किसी भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, वो अपने उसको फेज को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास को दी जा रही है, उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताओ मैं तुमको, जैसे कोई वाटर को हम लोग बॉइल कर रहे हैं, वाटर को बॉइल करते हैं, तो वाटर पहले लिक्विड फेज में है, और लिक्विड फेज से वाटर किस में जाएगा, वेपर फेज में जाएगा, तो वो अपने फेज को चेंज करेगा। तो जिस समय वो अपने फेज को चेंज कर रहा होगा, तो पर यूनिट मास को जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिनोट करेंगे एल से, उस बात को लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एल, इट इज डिनोटेड बाई एल। तो फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू एम एल, एल आपका लेटेंट हीट है, तो वही लेटेंट हीट यहां से डेफिनेशन आपको बनाई गई है, ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास, तो यहां से लेटेंट हीट का फॉर्मूला ही बनता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो, ऊपर जूल है, नीचे केजी है, तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर केजी। सर क्यू क्या है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट है बेटा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, एल लेटेंट हीट है, एम मास ऑफ सब्सटेंस है। नोट कर लिए बेटे यहाँ तक? यस सर, डन। ठीक है, अब आप लोग सब लोग जानते होंगे ज्यादातर लेटेंट हीट, तो ऐसे आपने पहले भी सुन रखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। अब एक ये चीज सब लोग जानते होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, बात वही है, या फिर उसी को हम लोग फ्यूजन कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब जैसे लेटेंट हीट है, अब फ्यूजन का केस, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड का बनना। तो जब कहीं फेज चेंज हो रहा हो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इट इज लेटेंट हीट हेडिंग है डालनी है न्यू? नहीं बेटा, ऐसे उसी का ही कर सकते हो, लेटेंट हीट का ही पार्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग हो रहा है ना, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस क्या हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, उस समय पर जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी, उसको हम लोग कहा करते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एल एफ, एल एफ, एल एफ से मतलब हो गया फ्यूजन से, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एल एफ। तो यहाँ पे एल एफ इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एल एफ इज इक्वल टू क्यू बाई एम, बात वही है, बस यहाँ पे एल एफ का डिनोट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिनोट कर रहा है। होगी बेटा, अब देखो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसी तरह वो लिक्विड से गैस के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आप उसको नेक्स्ट लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं, वेपर के फॉर्म में चेंज होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इट इज लेटेंट हीट फॉर लिक्विड टू वेपर, ये गैस लिख देते हैं, वेपर स्टेट चेंज, वेपर स्टेट चेंज फुल स्टॉप, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, एल बी से, एल बी बस बाकी सब चीज एज इट इज ही है, एल वी इज इक्वल टू क्यू बाई एम। हो गया बेटा नोट, हो गया सकता अच्छा। अब एक सब कोई लिखेगा नहीं, लिखना नहीं, मैं जो चीज बता रहा हूँ केवल सुनना है तुम्हें, लिखना नहीं बेटा उसको, ठीक है। और देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि लिखना नहीं इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ लिखना नहीं, इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका हीट ट्रांसफर, हेडिंग मत डालना, लिखना नहीं है इसको, टॉपिक आपका हीट ट्रांसफर नेक्स्ट, ठीक है। अभी हीट ट्रांसफर में आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाई जाएंगी, हीट ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर होना, और वो तीन तरीके ट्रांसफर होती है, जैसे एक प्रोसेस होता है कंडक्शन का, दूसरा प्रोसेस होता है कन्वेक्शन, और तीसरा एक प्रोसेस होता है रेडिएशन का। तीन तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। तो अब क्या है कि ये पहले सिलेबस में था, अब इस साल के लिए इसको सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है, हीट ट्रांसफर का जितना टॉपिक है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, फिर इसके आगे एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर उसके आगे है आपका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, इन सब टॉपिक्स को क्या किया उन्होंने इस बार के सिलेबस से हटा रखा है आपको 11th सिलेबस से, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो पेपर आएगा यहीं तक आएगा लेटेंट हीट का, ठीक है। इसमें हम लोग कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये सब टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं हमारे, तो उसको हम पेपर में नहीं देंगे उसको, क्लियर बेटा,
कर्म हो गया ना ये बात। यस सर। किसी को डाउट है कहीं पर सिलेबस से रिलेटेड, किसी को डाउट है? भव्या आयशा परवीन तो अमित यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं ना किसी तरीके का? अब सिलेबस कंफर्म हो गया ना, अभी इसके आगे सिलेबस में नहीं आएगा ये चीज। सर ये पढ़ाएंगे भी नहीं, अब क्या करेंगे उसको पढ़ा के जब सिलेबस में नहीं आना उसको? सर एक दिन थोड़ा पढ़ा दीजिएगा। अच्छा तो अभी पढ़ा दे फिर, अब एक दिन फिर क्या, अभी टाइम है जितनी देर उतनी देर पढ़ा दे रहे हैं आज ही। जी सर। तो लिखोगे तुम लोग क्या? चलो चल लिख लो यार, थोड़ी देर के बाद रहेगी, चलो लिख लो, नहीं तुम लोग कहोगे नहीं पढ़ा है। चलो लिख लो, हीट ट्रांसफर। हेडिंग डालो हीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसे करके हेडिंग डाल लो। हीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ हीट ठीक है, इसमें लिख लो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात तुम्हें सबको मालूम है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है। इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट to another due to temperature difference, due to temperature difference ठीक है। अभी कह रहा है कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, कब ट्रांसफर, जब उन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो ठीक है। अब ये बात तो तुमको 100% श्योर हो गई है कि हीट हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर की ओर फ्लो करेगी, तो इसका मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो हो पाएगी ठीक है बेटे। अच्छा तुम लोगों को ये बात मालूम है ना कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं तुम लोगों के? यस सर मालूम है। यस सर। कब से सर स्कूल खुलने वाले हैं? कब से? मैं भी बेटा 20 जनवरी के आसपास शुरू होंगे या फिर नेक्स्ट मकर संक्रांति के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपको स्कूल बुलाया जाने लगेगा और ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी शायद, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसा शायद हो सकता है। यस सर। ठीक है तो आप इसके लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। तो ठीक है बेटा, तो एक जगह से दूसरी जगह भी हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। जब दो पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर हो सकता है। अब प्रोसेस ऑफ हीट तीन तरीके की होती है जो मैंने अभी पीछे बताया है, वो भी आप लिख लो। प्रोसेसेज ऑफ हीट ट्रांसफर, प्रोसेसेज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहला जो प्रोसेस है आपका है कंडक्शन। ठीक
ठीक है, इसमें लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर from one point to another with actual flow of material, actual flow of material of the body, of the body. अभी क्या कह रहा है, ये डिफ्यूजन कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मटेरियल. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा जैसे सपोज दैट में तुमको एग्जांपल, सपोज दैट में एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे ये एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड. अब उस रॉड को अगर एक एंड इधर गर्म किया जाता है तो ऐसा नहीं कि इधर वाला एंड उठ के अभी यहाँ पे आ गया, अभी ठंडा वाला इधर आ गया, ऐसा तो होता नहीं है. उसमें क्या होता है, हीट जैसे जैसे इधर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इधर की ओर हीट क्या होती चली जाएगी, फ्लो होती चली जाएगी. तो पहले इधर गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक ये हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी. तो इसमें मटेरियल का फ्लो नहीं होता कि भैया इधर जो मटेरियल गर्म होगा उठा के यहाँ रखे, इसको उठा के यहाँ रखे, ठीक है. जैसे घर में रोटी करते हैं तो चिमटा होता है ना, चिमटा, चिमटा जानते हो ना सब लोग बेटा, उसमें आगे पोर्शन गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पीछे गर्म हो जाता है. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट का है, प्रोसेस कंडक्शन का है. समझ गए बात को? अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका कन्वेक्शन. दूसरा क्या है आपका कन्वेक्शन, क्या होता है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है लेकिन इसमें मटेरियल का फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है. तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट with the help of actual flow of material, with the help of actual flow of material. एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मटेरियल कहाँ फ्लो होता है जिससे हीट ट्रांसफर हो जाती है. तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है. जब भी पानी को गर्म किया जाता है तो होता क्या है कि पहले जो पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर चला जाता है, ठंडा पानी नीचे आ जाता है. जैसे मैं बनाऊँ ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, सपोज दैट, ठीक है. अब उसको क्या करते हैं कि नीचे से जब हीट करेंगे इसको, जब नीचे से हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि यहाँ का पहले पानी गर्म होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हीट हो जाएंगे वो उठ के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ठंडे वाले जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है. तो ऐसे करके एक करंट सेटअप हो जाता है इसमें, जो वाटर, जो गर्म मॉलिक्यूल है ऊपर चले जाएंगे, ठंडे मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. तो एक इसमें करंट सेटअप हो जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करंट, ठीक है. एक एक करंट सेटअप हो जाता है सर्कुलर फॉर्म में ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करंट. ये कब होता है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस में होता है. इसमें देखो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, जो मॉलिक्यूल गर्म हो जा रहे हैं वो ट्रांसफर हो गए आगे चले जा रहे हैं, ठंडे वाले मॉलिक्यूल इसके पास आ जा रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कन्वेक्शन कहा जाता है. समझ गए सब लोग? यस सर, यस सर, यस सर.
ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एक प्रोसेस और होती है जिसको रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन तो इसमें क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको रेडिएशन कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, रेडिएशन में क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। एग्जाम्पल, इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, लेकिन जहां से चलती है हीट और जिस पॉइंट में गिरती है जाके केवल वहीं को हीट करती है, बीच में जो इंटरवेनिंग मीडियम पड़ता है, बीच का कोई मीडियम पड़ता है उसको हीट नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल लो, रेडिएशंस फ्रॉम सन रीचेस टू अर्थ, जो सन से लाइट आ रही है, जो सन से हीट आ रही है, वो डायरेक्ट आके अर्थ के सरफेस को हीट करती है, ना कि बीच के मीडियम को। बीच के मीडियम कौन सा है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको गर्म नहीं करती कभी भी रेडिएशन, वो आके किसको गर्म करती है, सीधा अर्थ के सरफेस को। जो सन की एनर्जी है वो डायरेक्ट अर्थ के सरफेस में गिर रही है, उसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। सर, हाँ, कंडक्शन का एग्जांपल क्या बताया था? कंडक्शन का एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हो बेटा। घर में खाना बनता है, मम्मी चाय बनाती हैं, तो उसमें जो पैन रखा होता है, पैन का हैंडल देखो थोड़ी देर बाद पीछे गर्म हो जाता है, ठीक है। घर में मम्मी रोटी बनाती हैं, तो उसमें जो वो होता ना रोटी पकड़ने वाला, क्या कहते हैं उसको, चिमटा, जानते हो? यस सर। हाँ, तो अब ऐसा तो नहीं कि मम्मी जिधर से पकड़ती हैं उस साइड का पोर्शन गर्म करती हैं, वो तो जिस साइड से आगे से रोटी पकड़ती है वही हीट होता है, थोड़ी देर के बाद पीछे को चिमटा गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गई है, पीछे तक आ गई है, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, तवे के जो तवा होता है उसमें वो लगा दिया जाता है आपको पीछे लकड़ी का, ताकि उसमें हीट का कंडक्शन ना हो पाए। समझ गए बात को? यस सर। वुडन हैंडल्स लगा दी जाती हैं। अभी नहीं समझ पाया प्रतिभा? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो बस आज की क्लास अभी अब यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल अभी और बता दूंगा, तो तुम लोगों को डाउट नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, आगे भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? इसके बाद इसके आगे वाले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।